बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरसद खालिद आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज के इस नई वीडियो में एक कमाल की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बेकरी से रिलेटेड ये रेसिपी है और बड़ी कमाल की रेसिपी है। मेहमान आए तो आप इस रेसिपी को उनके सामने पेश कर सकते हैं। किस तरह से ये बनाई जाती है, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो आइए देखते हैं किस तरह से ये रेसिपी बनाई जाती है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले यहाँ पर आप एक बाउल ले लें। बाउल के अंदर ये तकरीबन एक कप मैदा ये शामिल कर दें। अब इसके अंदर आप ये थोड़ा सा मीठा सोडा तकरीबन एक चुटकी इसके अंदर ये आप मीठा सोडा शामिल कर दीजिए। अब आप इसके अंदर ये बेकिंग पाउडर तकरीबन आधा चम्मच है ये बेकिंग पाउडर इसके अंदर आप डाल दीजिए। अब इसके अंदर आप ये दो चम्मच चीनी शामिल कर दीजिए। ये आपने चीनी को पीस कर इसके अंदर आप डालना है। डालने के बाद फिर यहाँ पर अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर एक अंडा आपने ले लेना है, हम इनको तोड़ लेंगे। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से तोड़ने के बाद अब आप अंडे को अच्छी तरह से फेंट लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये अंडे को आपने जो हमने मैदा बनाया ना वो मैदे के अंदर आपने अंडे को शामिल कर देना है। अंडे को आपने यहाँ पे पूरा ऐड नहीं करना, आधा अंडा आपने ऐड करना है। इसके बाद इसके अंदर ये हम घी शामिल करेंगे। ये मेल्ट किया हुआ घी हमारे पास तकरीबन चार चम्मच इसके अंदर ये डाल देंगे। ये देखिए घी भी डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बड़ी कमाल की रेसिपी बनने जा रही है, वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। यहाँ पर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें ये देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे इसको गूंदने के बाद इस कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ पे देखें जिस तरह से आप घर में आटा गूंदते हैं ना रोटी वाला, ये उसी तरह की कंडीशन में आ जाएगा। ये देखिए आप अब इसके आप यहाँ पे छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए इस तरह से, और इसकी थोड़ा सा लंबाई शेप में आपने ये डिज़ाइन बनाना है। तो आपकी मर्ज़ी, आप लंबाई शेप में बनाना चाहते हैं गोल शेप में, वो आप पे डिपेंड करता है। ये देखें इस तरह से तो बना लेंगे। तो इस तरह से ये लंबाई शेप में कर लेंगे। अब यहाँ पे आप एक चिमटी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए जिससे हम इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकें। ये देखें इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे इनके ऊपर। आपको अगर आपके पास कोई और अच्छा डिज़ाइन आपको पता है तो आप और डिज़ाइन भी इसके ऊपर बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बना लेंगे इनके ऊपर। ये देखें एक डिज़ाइन ये एक हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह आपने सारे बना लेने और साइड पर रखते जाना। ये देखें इसी तरह जितने वो आप सारे तैयार कर लीजिए। यहाँ पे सारे हमारे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे एक पिज़्ज़े वाली प्लेट लेनी है। प्लेट के ऊपर आपने अच्छी तरह से घी लगा देना है, साइडों पे वगैरह अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर जो घी लगा के इस तरह से आपने घी लगा देना अच्छी तरह से। घी लगाने के बाद अभी जो हमने बनाया ना वो आप इसके ऊपर रख दीजिए इस तरह से, और थोड़ा सा फासला छोड़ छोड़ के आपने रखने, एक साथ जोड़ने नहीं है हमने। ये देखिए इस तरह से सारे हमने ट्रे के अंदर रख लीजिए। अब आपने जो थोड़ा सा अंडा बचा के रखा हुआ था ना वो आपने इसके ऊपर लगा देना। ये देखें इस तरह से देखिए अंडा लगा देने के बाद अब आपने यहाँ पे एक चूल्हे पे ये आपने बर्तन चढ़ा देना है। इसको हमने पहले तकरीबन 10-15 मिनट के पहले आपने इसको रख देना चूल्हे पे ताकि ये गर्म हो जाए। जब गर्म हो जाए फिर आपने सेंटर में इसके ऊपर लोहे का कोई स्टैंड वगैरह रख देना है। स्टैंड रखने के बाद अभी ये जो प्लेट है ये उसके अंदर रखेंगे। अब आपने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हल्की आंच पे आपने इसको बेक करना है। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखें 20-25 मिनट बाद अभी आपको मैं चेक करा रहा हूँ। ये देखें अब यहाँ पर अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं और ये देख लीजिए इतने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं ये आप देखें, बिल्कुल बेकरी जैसे लग रहे हैं। अभी इनको यहाँ पे निकाल लेंगे। इसके ऊपर लगा देना है ये मेल्ट किया हुआ घी। ये देखिए इस तरह से अब इसको आपने यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख देना है। ये अब इसको एक प्लेट में निकालेंगे। तो ये देखें यहाँ पे ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये देखें आप
इसको आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो उनको आप ये पेश कर सकते हैं। बड़ी कमाल की रेसिपी है, लाजमी इस रेसिपी को आप ट्राई करें। तो यहाँ पे आपको एक तोड़ के भी चेक कराते हैं, ये देखें आप अंदर से बिल्कुल खस्ता है, इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिए, बड़े क्रिस्प खस्ता ये तैयार हुए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, इसी तरह की अच्छी अच्छी कुकिंग वीडियो देखने के लिए। बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।